हर स्टोरी का नेकलेस करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। शी मीन्स यहाँ पे जो करेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी की मैथिलीडिया, उसके बारे में बोला गया है। बड़ी सुंदर लेडी थी, जवान थी वो, उसका जो जन्म हुआ था ऐसे लगता था कि किसी गलती की वजह से, भाग्य का की दुर्घटना बोलिए कि उसका जो जन्म था एक जो क्लर्क्स की फैमिली थी, मीन्स मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हो चुका था। शी हैड नो डोरी, उसके पास कोई भी दहेज नहीं था, कोई भी उम्मीद नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिसे लोग उसको जाने। लव्ड एंड मैरिड बाय मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए, ऐसी चीजें उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। एंड शी अलोड हर सेल्फ टू मैरी ए पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसकी जो शादी होती है वो भी एक क्लर्क फैमिली में हो जाती है, जो उसके हस्बैंड थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क का काम करते थे। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो साधारण किस्म की थी बट वो क्या थी, खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसेंटली विदाउट इंटरप्शन और कॉन्स्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ वॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो हमेशा कहती थी जैसे उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है कि उसकी जो जन्म है किसी अच्छी फैमिली में नहीं हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जो वो उसका जो जन्म था ऐसे घर में हुआ था जहाँ पे टूटी हुई दीवारें थी, टूटी हुई चेयर्स थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीजें उसको टॉर्चर करती थी और वो हमेशा गुस्से में रहती थी। वेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टर्न विद ए डिलाइटेड ईयर, जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे बैठती थी उसके सामने, तो उसके हस्बैंड जब वो प्लेट उठाते थे, टर्न होता है डीपली डीप कवर डिश फ्रॉम विच सूप इज सर्व्ड, मींस थोड़ी सी प्लेट, थोड़ी सी गहरी प्लेट, ठीक है। जब वो उस प्लेट को उठाते थे और उसके बीच में से जो उसकी सुगंध आती थी, तो कहते थे वो कितनी सुंदर तुमने ये डिश बनाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर्स of shining silver, she thought of the exquisite food served in marvelous dishes, और वो सामने बैठकर यही सोचती रहती थी कि अगर उसका जन्म कहीं किसी अच्छी फैमिली में हुआ, जब हुआ होता तो अभी उसके कैसे कैसे वो शाइनिंग प्लेट्स में खाना खा रही होती और कितनी सुंदर सुंदर उसके सामने पकवान पड़े होते हैं। She had neither frocks nor jewels, nothing. उसके पास ना तो कोई महंगे कपड़े थे ना ही कोई ज्वेल्स थे, ज्वेल्स मैंने कोई डायमंड्स हीरे वगैरह। एंड शी लव्ड ओनली दोस थिंग्स, और उसको उन्हीं चीजों से प्यार था। शी हैड ए रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट बिकॉज शी सफर सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। उसकी एक अमीर दोस्त थी जो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, वो उसके घर में जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जैसे ही वो उसके घर में जाती थी तो जब वो वापस लौटती तो उसको बड़ा दुख होता क्योंकि वो बड़ी अमीर थी और जो गरीब थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्टर एंड दिस अपॉइंटमेंट, और वो सारा जब वहां से वापस आती तो सारा दिन वो दुख के मारे रोती रहती। वन डे हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, एक दिन क्या होते हैं उसके हस्बैंड ऑफिस से लौटते हैं और एलेटेड होता है हैप्पी, बड़े खुशी में उनके हाथ में एक इनवेल्प होता है, एक लिफाफा होता है, वो उसको बोलते हैं हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, कहते हैं ये तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, वो जल्दी से कार्ड निकाल लेती है प्रिंटेड कार्ड और उस कार्ड पे ये लफ्ज लिखे होते हैं द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम गौर ग्रैमड्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मैम लॉसिल, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर बोलते हैं वैसे ही फ्रांस में ऐसे लिखते हैं एम मैम एंड मिसिस को बोलते हैं मैम लॉसिल कंपनी। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, उनको इन्विटेशन आया होता है उनकी कंपनी की तरफ से कि उनको जनवरी 18 को उनके रेजिडेंस पे वो पार्टी अटेंड करने जाना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड
जो उसके हस्बैंड को होप थी कि उम्मीद थी कि जैसे वो जो वाला इनविटेशन पड़ेगी तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और वो जो इनविटेशन है उसको वो ऐसे फेंक देती है टेबल के ऊपर बुदबुदाती हुई। मर्मरिंग होता है जैसे हम अपने ही आप उनके अंदर बातें करते हैं। बट स्कोस आई वॉन्ट विद डैड, तुम क्या सोचते हो मैं इसके साथ क्या करूं? बट माई डियर आई थॉट इट वुड बी मेक यू हैप्पी, वो कहते हैं मेरी प्रिय मैंने सोचा था कि तुम इसे देख के बड़े खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती? दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, ये मैंने सोचा जी तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मौका है बाहर जाने के लिए। एवरीबॉडी विशेज वन, और हर एक इंसान चाहता है कि वो ऐसी पार्टीज में जाए। एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू इम्प्लाइज, वो कहते हैं कि हम कुछ सिलेक्टेड इम्प्लाइज हैं जिनको ये कार्ड मिले हैं, ना कि हमारी कंपनी के सारे इम्प्लाइज को जो वाले कार्ड मिले गए हैं मिले हैं, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड दिए, वो तुम जब वहां जाओगी तो तुम्हें पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड, हमारा पूरा ऑफिस के लोग वहां पे तुम्हें मिलेंगे। ही लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटिंग आईज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, वो उसकी तरफ बड़ी मतलब इम्पेशेंटली उसकी तरफ देखते अपने हस्बैंड की तरफ। बट वो जस्ट सपोज आई हैव टू बियर टू सच ए थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है मुझे वहां जाके क्या पहन के जाना चाहिए उस पार्टी में? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही इज टेम्पर्ड, उसके हस्बैंड ने जो बात तो सोची ही नहीं थी, वो हकलाने लगे। टेम्पर्ड होता है हकलाना। Why the dress to wear when you go to theater? वो कहते हैं तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं डाल लेते जब तुम थिएटर में जाती हो बाहर, तो वो ड्रेस तुम्हें अच्छी लगती है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है तुम्हारी वो वाली ड्रेस, वो तुम डाल के चले आना। ही वॉज साइलेंट स्टूफाइड मेक समवन अनएबल टू थिंक और फील प्रॉपरली। स्टूफाइड होता है हम किसी को अच्छी तरह से सोच नहीं सकते वो इस वक्त क्या करेगा, स्टूफाइड उसको बोलते हैं। ही वॉज साइलेंट, वो चुप हो जाता है और अंदर ही अंदर वो सोचता है कि देखने लगा कि क्या होता है। इन दिस मे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, वो देखता है कि उसकी जो वाइफ थी मैथ लीडिया वो क्या कर रही थी, रो रही थी। ही इज टेम्पर्ड बट इज द मैटर, वो फिर से बेचारा आराम से बोलता है क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वाइज, वो अपना जो उसको गुस्सा आया था उसको वो थोड़ा कंट्रोल करके अपने आप को रोकती है और बड़े काम स्वर में अपने बड़ी आहिस्ता से बोलती है। वाइपिंग हर मोस्ट मॉइस्ट चीक्स, वो जो उसके चीक्स थे वो भी रोने से मॉइस्ट हो चुके थे, गीले हो चुके थे, उसको भी साफ करती है। नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कुलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, तुम ऐसा करो जो कार्ड किसी अपने और कुलीग को दे दो, अपने किसी और साथी को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज्यादा वहां अच्छी लगे। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो बेचारा दुख के मारे चुप हो जाता है फिर भी आंसर करता है। लेट अस सी मैथ मीडिया हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग डेट वुड बी सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। वो उस अपनी वाइफ से पूछता है कि जो तुम्हारी ड्रेस है उसकी कितनी कॉस्ट होगी, कितनी पैसों में तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी जो तुम्हारी सिंपल सी हो, जो तुम्हारे और भी अगर ओकेजन पे जाना है तो टल जाए, ऐसी ड्रेस कितने में आ जाएगी, अपनी वाइफ से पूछता है। ही रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी वुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, अब वो सोचने लगती है, सोचती है कि ऐसी कौन सी सम मतलब इतना पैसा बोलूं कि उसका रिफ्यूजल मींस आगे से ना भी ना हो, इतने पैसे वो सोचने लगती है। एंड ए फ्राइटेंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, कि आगे से कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं आए कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके हस्बैंड ऐसा बोले। फाइनली शी सैड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, बाद में फिर फाइनली वो क्या करती है थोड़ा हिचकिचाते हुए आवाज में कहती है आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कितने की आएगी, बट इट सीम्स टू मी डेट 400 फ्रेंड्स और टू बी कवर इट, वो कहती है कि मुझे लगता है शायद 400 फ्रेंसिस फ्रांस की करेंसी है कि उसमें शायद मेरी ड्रेस आ जाए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, वो थोड़ा सा बेचारा पीला पड़ जाता है उसका हस्बैंड जो होता है, क्योंकि उसके पास जो सम था इतने पैसे थे मगर उसने ये पैसे बचा के रखे थे, उसको एक गन खरीदनी थी। डेट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, वो चाहता था कि वो गन खरीदे
और उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है हंटिंग के लिए, वो उसको ज्वाइन करे अगली गर्मियों में। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लॉक्स ऑन संडे, कुछ जो उसके फ्रेंड्स है जो शूट लॉक्स ऑन संडे, मीन्स वो लॉक्स होते हैं बर्ड्स वगैरह को शूट करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते थे संडे को। नेवर दी लेस ही आंसर्ड वेरी वेल, वो बेचारा चुप कर जाता है, फिर आंसर करता है ठीक है आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें 400 रुपये दे दूंगा मगर कोशिश करना उसमें एक सुंदर सी ड्रेस आ जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉसी सीम्ड सैड, अब जैसे जैसे वो दिन पास आने लगा पार्टी का, तो जो मैम लॉसी थी वो फिर से, लॉसी उसके हस्बैंड का नाम है, तो मैम लॉसी होगी मैथिलीडिया, वो अब क्या फिर से सैड हो जाती, फिर से दुखी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी जो ड्रेस थी वो तो रेडी हो चुकी थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग बट इज मैटर विद जू, उसके हस्बैंड एक दिन उस शाम को बोलते हैं क्या बात है तुम्हारी ड्रेस तो तुम्हें मिल गई और तुम दुखी क्यों हो, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 to 3 days, मैं देख रहा हूँ तुम 2-3 दिन से बड़ी दुखी हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वैक्स नॉट टू हैव ए ज्वेल, वो कहती है अब मुझे इस बात का क्रोध आ रहा है कि मेरे पास कोई भी नेकलेस नहीं है, कोई भी डायमंड है, ऐसा कोई नहीं है जो मैं उस ड्रेस के साथ डाल के जाऊँ। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, आई शैल हैव सच ए प्रीटी स्ट्रिकन लुक, पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, वो कहती है उसके बिना तो मैं एक गरीब लोगों, मेरी जो लुक होगी एक गरीब जैसी होगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे अच्छा है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँ। He replied, उसके हस्बैंड जवाब देते हैं, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, वो कहते हैं तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना उसके साथ, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, वो चिक होता है एलिगेंटली एंड स्टाइलिशली फैशनेबल, मतलब वो कहता है कि इस सीजन में अगर तुम ऐसे फ्लावर्स डालोगी तो फैशनेबल लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड नहीं होती, उसकी बात नहीं मानती। नो शी रिप्लाइड, वो जवाब देती नहीं। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए शैवी ईयर इन द मिडस्ट ऑफ द रिच वुमेन, वो कहती है इससे ज्यादा शर्मनाक बात, ह्यूमिलेटिंग होता है शर्मनाक बात क्या है, शैवी ईयर होता है इम्प्योर कंडीशन, अगर मैं ऐसे मतलब बन के जाऊँ कि मैं गरीब लगूँ इन अमीर औरतों में, तो इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग वाली बात क्या है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट हाउ स्टूपिड वी आर, तब उसके हस्बैंड एकदम से चलाते हैं, बोलते हैं हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फ्रॉस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, कहते हैं तुम जाओ अपने फ्रेंड जो फ्रॉस्टर है उसके पास जाओ और उससे कुछ ज्वेल्स उधार ले लो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी के मारे झूम उठती है, इट्स ट्रू शी सेड, वो जवाब देती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house and relating her story of distress, अब जब अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है और उसको अपनी कहानी सुनाती है पूरी। मैम फ्रॉस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट होती है अलमीरा, मैम फ्रॉस्टर उसको अपनी अलमीरा के पास ले जाती है, took out a large jewel case, बड़ा सा एक jewel case निकालती है, brought it, opened it and said, choose my dear, और उसको खोलती है और कहती है तुम्हें जो भी पसंद है इसमें से ले लो। She saw at some bracelet, वो थोड़े से ब्रेसलेट होता है जो हम हाथों में डालते हैं, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship, अच्छे से कारीगरी वाले वाले चीजें वो देखती है जो गले में डाल सकते थे, हाथों में डाल सकते थे। She tried the jewels before the class, और वो सारे ज्वेल्स को मतलब अपने ड्रेस के साथ ट्राई कर रही थी और शीशे में अपने आप को देख रही थी, हेजिटेटिंग थोड़ी हेजिटेट कर रही थी मतलब, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉर लीव देम, अब वो जो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कौन सा ले और कौन सा छोड़े। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, वो फिर से उसको बोलती है अपने फ्रेंड को फ्रॉस्टर को, क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है। वाई जस्ट लुक फॉर यूर सेल्फ, आई डो नॉट नो बट वेरी प्लीज यू, वो कहती है ये सारी चीजें पड़ी है तुम देख लो जो भी तुम्हें पसंद आए, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, जो भी तुम्हें पसंद है तुम ले लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स ए सबरफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एकदम से उसको मिलता है एक सैटिन बॉक्स में एक नेकलेस था डायमंड का। शी हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी लुक इट आउट, उसके हाथ उसको उठा के बड़े खुश हुए। शी रिप्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज इस
एंड वाज इस्टेटिक, इस्टेटिक द फीलिंग आर एक्सप्रेसिंग मीन्स जब खुशी के मारे हुए इंसान कुछ सोचता है। शी प्लेस्ड वो अपने थ्रॉट मैंने अपने गले के ऊपर वो ड्रेस के साथ उसको रखती है और खुशी के मारे झूम उठती है क्योंकि वो ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा था वो डायमंड नेकलेस। ओवर ब्लेमिंग हैप्पीनेस एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट फीलिंग ऑफ मीन्स हैप्पीनेस, उसको खुशी होती है वो नेकलेस जब वो देखती है। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ पर्प्लेक्सिटी कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, वो अब उसको कहती है थोड़ी सी हिचकिचाती है, हेजिटेट होता है हिचकिचाना, थोड़ी सी हिचकिचाती है फिर उसको कहती है क्या तुम मुझे ये वाला नेकलेस उपहार दे दोगी, ये ही वाला सिर्फ। वाय जस्ट सडनली वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगी। He fell upon the neck of her husband, neck of her friend. वो जल्द embraced होता है किसी को tightly hug कर लेना, किसी अपनी arms में उसको ले लेना। Hold someone closely in one's arm, especially as a sign of affection. जब हम किसी को प्यार से hug कर लेते हैं तो वो क्या करती है अपनी friend को ऐसे ही hug कर लेती है with passion. Then went away with her. और फिर वो जो उसने हार लिया था उसको लेके वहां से चली जाती है। The day of the ball arrived, अब जो पार्टी वाला दिन था वो आ गया। मैम लॉसिल वाज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लॉसिल को लगा कि जैसे अब उसने कुछ पा लिया है। शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और वो सबसे सुंदर उस पार्टी में सबसे सुंदर लग रही थी, खुश थी पूरी उस पार्टी को जॉय कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, सारे आदमी जो भी थे वहां पे वो उसको देख के बड़े खुश हो रहे थे और उसका नाम पूछ रहे थे और वो भी बड़ी इस चीज से खुश हो रही थी क्योंकि वो यही चीजें चाहती थी। He danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this administration, this victory so complete and sweet to his heart. अब वो वहाँ डांस कर रही थी पूरी खुशी से और उसको कोई भी चीज नहीं याद रही, सिर्फ ये चीज जाती थी। अब उसको सारे लोग एडमायर कर रहे थे, उसके बारे में पूछ रहे थे, उसको लग रहा है जैसे मैंने कुछ जीत लिया है, तो वो उसको यही चीज जाती, बाकी उसको कुछ भी याद नहीं रहा। He went home towards 4 o'clock in the morning. अब जब पार्टी खत्म हुई सुबह 4 बज चुके थे, 4 बजे वो सुबह घर वापस आए। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, उसके जो हस्बैंड थे वो एक वहीं पे एक छोटा सा कमरा था जिससे वो जिसमें वो सो चुके थे। विद थ्री अदर जेंटलमैन हुज वाइव्स वर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच, और उनके साथ तीन और आदमी जेंटलमैन वहां पे सोए हुए थे जिनकी वाइफ्स भी वहां डांस कर रही थी और पूरा एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had cried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब उसके हस्बैंड ने उसके शोल्डर्स के ऊपर एक शॉल जैसा ऐसा शॉल था जिससे कि उनकी ग्रीपी झलक रही थी उसके ऊपर दे दिया। अब वो जल्दी से वहां से पार्टी से निकल गए। She wished to hurry up in order not to notice by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब वो चाहती थी कि ये जो बात है, ये जो शॉल है जो मैंने यहाँ पे ओढ़ा है अपने शोल्डर्स के ऊपर, इसको कोई भी देखे नहीं क्योंकि इससे हमारी गरीबी झलकती है, क्योंकि बाकी औरतों ने अमीरों जैसे रैप रिच फर्स को अपने आसपास रैप किया हुआ है। लॉसिल डिनेड हर वेट सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लॉसिल डिटेन्ड है मैंने उसको वहीं रोकता है और कहता है रुको तुम यहीं पे, मैं कोई कैब लेके आऊंगा, टैक्सी लेके आता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, वो नहीं सुनती और पीछे पीछे उसके चल पड़ती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, जब वो स्ट्रीट की तरफ जाते हैं तो वहां पे उनको कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे वो घर जा सके। एंड दे बिगेन टू सी फॉर वन हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट ए डिस्टेंस, अब वो उन्होंने थोड़ी दूर एक कोचमैन को देखा था थोड़ी दूरी पे, अब उधर चल पड़ते हैं कि शायद वो हमें घर तक छोड़ दे। They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब वो रिवर के किनारे किनारे बिना उम्मीद छोड़े उम्मीद छोड़े हुए ठंड के मारे शिवरिंग करते हुए नदी के किनारे चलते जा रहे थे। अब उनको उम्मीद थी कि अब उसको उनको कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी जिससे वो घर जा सके, मगर फाइनली उनको एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है जिससे वो घर जा सके। It took them as far as their door and they went barely up to their apartment. अब वो गाड़ी उनको उनके दरवाजे तक छोड़ आई।
जो उनके घर तक जाता था, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। अब उनके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय, और जो हस्बैंड थे उनको कुछ भी याद नहीं था, उनको बस यही था कि मैं जल्दी से सो जाऊं क्योंकि मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। He removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब वो क्या करती है, जो wraps, वो शॉल जो उसने ओढ़ा था shoulders के ऊपर अपने कंधों के ऊपर, उसको हटा देती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से अपने आप को उस शीशे में देखना चाहती है। Suddenly she uttered a cry. एकदम से उसकी चीखने की आवाज निकलती है। Her necklace was not around her neck. जो उसका necklace था वो उसकी गर्दन के आसपास नहीं था। लॉसी ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। लॉसी जो उसके हस्बैंड थे उन्होंने आधे कपड़े उतार दिए थे और जब वो चिंकी तो वो वहां से आवाज देते हैं, क्या बात हुई है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव। अब वो उनकी तरफ मुड़ी और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आई हैव। आई नो लॉन्गर है मैम फ्रॉस्टर्स नेकलेस, कहती है कि मेरे पास मैम फ्रॉस्टर का नेकलेस जो था वो घूम गया नहीं है। He arose in dismay, दुखी हो गया वो जो लॉसिस था वो दुखी हो गया। But how is that? It is not possible. कहता जी जी कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock. अब वो सोचने लगे शायद किसी ड्रेस में फंस चुका है, तो वो ड्रेस में उसको उथल पुथल करके देखने लगे। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक होता है स्लीवलेस आउटडोर ओवर गारमेंट, मीन्स एक हाफ स्लीव वाली ड्रेस जो हम अपने कपड़ों के ऊपर कभी कभी डाल लेते हैं, वो वही पास में पड़ी थी, उसमें भी उन्होंने देखा। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, हर जेब जो थी उसमें भी देखा, दे कुड नॉट फाइंड इट, और उनको वो कहीं भी नहीं मिला नेकलेस। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे क्या नेकलेस तुम्हारी गर्दन में था। Yes, I felt it as we came out. वो कहती है हाँ हाँ मुझे याद है जब हम वहाँ से निकले थे तो नेकलेस था वहाँ पे। But if you had lost it in the street, we must have heard it fall. वो कहते हैं अगर वो कहीं रास्ते में गिरता स्ट्रीट में तो हमें गिरने की आवाज आती। It must be in the cab. वो जरूर उस कैब में रह गया है, उस टैक्सी में रह गया। Yes, it is possible. कहती है हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। Did you take the number? वो कहता है क्या तुमने वो नंबर नोट किया था उस कैब का। नो no, वो कहती है नहीं। एंड जू कहती है क्या तुमने किया, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, तुमने नोटिस किया था कि क्या नंबर था। वो कहता है नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कॉज्ड और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फाइनली लॉसिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और लॉसिल ने फिर से कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग ही सेड, कहता है मैं जाता हूँ ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। वो कहता है उस ट्रैक के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जहाँ हम चल रहे थे, मैं देखता हूँ क्या वहां तो नहीं गिरा हुआ, मैं देख के आता हूँ। वो बेचारा फिर से कपड़े डालता है और देखने चले जाता है। एंड ही वेंट, और शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द कोर्स टू गो टू बेड। वो अपने इवनिंग गाउन में होती है मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बेड पे जाके सो जाए। Towards 7 o'clock her husband returned. सुबह 7 बज चुके थे जब उसके हस्बैंड वापिस आए। She had found nothing. वो उनको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab office. वो पुलिस के पास जाते हैं, फिर कैब ऑफिस के पास, ऑफिस जो था उसके पास भी जाते हैं। And put an advertisement in the newspaper offering a reward. अब वो एडवर्टाइजमेंट भी दे देते हैं न्यूज पेपर में कुछ रिवार्ड, कहते हैं कि जो हमें ये नेकलेस वापिस करेगा उसको इनाम देंगे। She waited all day in a state of bewilderment. और सारा दिन वो confused जैसे bewilderment था, feeling of being confused. वो सारा दिन confused रही जो मैथलीडिया थी before this frightful disaster, जो उनके ऊपर दुख की घड़ी आन पड़ी थी। लॉसी returned in the evening. लॉसी शाम को घर वापिस आता है। इनर his face pale, उसका भी जो चेहरा था पीला पड़ा हुआ था। He had discovered nothing. उसको कुछ भी नहीं मिला। He said right to your friend that you have broken the collapse of the necklace and that should be have it repaired. That will give us time. वो कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो, उसमें लिखो कि नेकलेस जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट गया है और मैंने उसको रिपेयर करने के लिए भेजा है और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। He wrote as he dictated at the end of the week. They lost all
होप एंड लॉसिल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब जब हफ्ता खत्म होने लगा तो उनकी जो भी उम्मीदें थी वो सारी खत्म हो चुकी, क्योंकि कोई भी आदमी उनकी नेकलेस की खबर लेके नहीं आया। और लॉसिल जो था वो बेचारा 5 साल बूढ़ा पहले ही दिखने लगा, और उसने कहा हमें वो नेकलेस उनको वापिस करना है। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चेपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट इट। अब वो जब शॉप पे किसी डायमंड शॉप पे जाते हैं, वहां पे उनको एक नेकलेस दिखता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा दिखता था जैसा कि उनका गुम हो गया। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंस, और उसकी जो कीमत थी 40,000 फ्रेंस थी। दे फाउंड गेट इट फॉर 36,000, और उनको वो 36,000 में मिल गया। लॉसिल पोजेस्ड 18,000 फ्रेंस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉसिल के पास 18,000 फ्रेंस थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ये बारोड दी रेस्ट, बाकी उसने बेचारे ने उसके ऊपर सूद के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोगों से उधार लिया। ही मेर रूनियस रू मीन्स खत्म हो जाना, वो सारे बेचारे जो भी था उसका सब कुछ खत्म हो गया। प्रोमिस टूक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड होल रेस ऑफ लैंडर्स, और उसने वो पैसे जो बाकी बचे हुए पैसे थे उधार लिए। देन ही वेंट टू गिव गेट द न्यू नेकलेस, और उसने फिर वो जो नया नेकलेस था वो लेने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंस, और उसने उस शॉप वाले को 36,000 फ्रेंस दिए। व्हेन मैम लॉसिल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फ्रॉस्टर द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिज्ड टोन। जब मैम लॉसिल जो थी वो जो डायमंड नेकलेस था मैम फ्रॉस्टर को वापिस देने गई, तो मैम फ्रॉस्टर उसको बड़े रुखे स्वभाव में उसको बोलते हैं, फ्रिज्ड टोन हो गई, बड़े रुखे स्वभाव में उसको बोलते हैं, यू मस्ट हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर फॉर आई हैव माइट हैव नीडेड देम। वो कहते हैं तुम्हें इसे मुझे जल्दी से जल्दी देने चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती है। मैम फ्रॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉसिल फियर्ड ही वुड। मैम फ्रॉस्टर जो थी वो ज्वेल बॉक्स को खोल के नहीं देखती है, जैसे कि मैम लॉसिल डर रही थी कि वो उसको खोल के देखेंगी तो क्या होगा। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव दिस सब्स्टिट्यूशन, वो क्या सोचेंगी उसके बारे में जब वो देखेंगी कि वो वाला नेकलेस नहीं है जो उसका सब्स्टिट्यूट है। व्हाट वुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, वो क्या सोचेंगी क्या कहेंगी, क्या वो मुझे चोर समझेंगी। मैम लॉसिल नो न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। अब मैम जो लॉसिल थी उसकी जो जिंदगी थी वो पूरी खत्म हो गई, उसको जो पैसे थे वो सब लुटाने थे, और डेब्ट हो गए पैसे जो लुटाने थे। इट वुड पे इट दे सेंट अवे द मेड, उसने जो अपने घर में जो नौकरियां नहीं रखी थी वो भी उसने हटा दी। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और उन्होंने जो घर था जहाँ वो रहते थे वो भी उन्होंने चेंज कर लिया, वो बेचारे एक छोटे से कमरे में। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने जो कहीं एक छोटा सा कमरा एटिक होता है स्पेस सारे रूम इनसाइड और पार्शली इनसाइड द प्रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, उन्होंने जो अपना कमरा था वो भी चेंज कर लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब जो भी जो रसोई का जो काम होता था उसने सीखा। शी वॉश द डिशेज, बर्तन धोने लगी। शी वॉश द सॉलिड लाइन दियर क्लॉथ डिश क्लॉथ विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, अब उसने वो घर के सारे काम कपड़े धोने बर्तन धोने वो सारे काम सीखे और वो खुद करने लगी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, वो बेचारी रोज क्या करती थी स्ट्रीट में जाती थी मोहल्ले में जाती थी और वहां से पानी भर के लाती थी खुद। स्टॉपिंग एट ईच अदर लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड क्लॉथ लाइक ए वूमेन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द क्रॉसर्स द वर्चर्स एंड द फ्रूट सेलर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म। अब वो घर का जो भी छोटा मोटा बड़ा काम जो भी था वो खुद ही करती थी, जैसे कि ग्रोसर के पास जाना, ग्रोसर मैंने करियाने वाले के पास जाना, फूड वाले के पास जाना, जो भी काम थे घर के वो खुद ही करती थी, और उसकी आम में एक बकेट हमेशा रहती थी। हैंगिंग टू लेस्ट सो सो होता है स्मॉल वैल्यू कॉइन इन फ्रेंड्स ऑफर मिजरेबल मनी, अब ये जो सारे काम थे घर में वो एक छोटी से छोटी जो पैसा था वो भी बचा के रखना चाहती थी, क्योंकि वो जो उसने उधार लिया था वो उसने लुटाना था।
The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. अब जो उसके हस्बैंड थे वो भी क्या करते, शाम को भी काम करने लग पड़े, इवनिंग शिफ्ट भी उन्हें लगानी शुरू कर दी। वो व्यापारी की जहाँ काम करते, जहाँ पे वो उसकी बुक्स को अरेंज करते थे, और रात को बेचारे कॉपी करते थे उन पेजों को 500 से पेज। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो उनकी जिंदगी थी इस तरह से 10 साल गुजरी उन पैसों को लुटाने के लिए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स थे एंड रिस्टोर्ड ऑल, वो 10 साल लगे उनको वो सारी चीजें रिस्टोर करने में, मीन्स वो सब चीजें ठीक करने में जो उन्होंने पैसे लिए थे वो सब लुटाने के लिए। उनके 10 साल अपनी जिंदगी के खत्म हो गए वहां पे। मैम लॉसी सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लॉसी जो मिस लिडिया थी वो आपके बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूर वुमन ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड। अब वो एक सख्त किस्म की औरत बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसके जो बिखरे हुए बाल थे, हर स्कर्ट्स अवेरी होता आउट ऑफ नॉर्मल ऑफ करेक्ट पोजिशन, उसकी जो स्कर्ट थी वो भी अच्छी पोजिशन में नहीं थी। हर हैंड्स रेड, और उसके जो हाथ थे वो काम करते थे, सख्त हो चुके थे, लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और उसकी जो बोलने की वो थी वो भी क्या होती, लाउड हो चुकी थी, चीं चीं के बोलती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स, ए बकेट ऑफ वाटर। अब वो जब फ्लोर्स को वॉश करती थी, धोती थी, तो बड़ी बड़ी बाल्टियां भी उठा लेती थी। बट सम टाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। अब वो जब उसके हस्बैंड जब वो ऑफिस में होते थे तो कभी कभी वो खिड़की के पास बैठ कर सोचती थी उस पार्टी के बारे में, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। वो उस वो पार्टी जिसमें वो बड़ी सुंदर दिख रही थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचती है कि हमारी जिंदगी कैसी होती अगर मेरे से वो नेकलेस गुम नहीं होता। हु नोज, कौन जानता था, हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। वो कहती कौन जानता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी, कैसी हमारी लाइफ में एकदम से चेंजेस आ जाएंगी। हाउ स्मॉल ए थिंग वुड रिमूव अ सेवन, एक छोटी सी चीज ज्यादा इंसान को बना देती है या बिल्कुल खत्म कर देती है। वन संडे एज शी वाज टॉकिंग टेकिंग ए वॉक इन द चेम्स एलसिस टू राइट हरसेल्फ टू द केयर्स ऑफ द वीक। एक शाम की, एक संडे की बात है, जब वो बाजार गई हुई थी अपनी हफ्ते की चीजों को लेने के लिए, शी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड। एकदम से उसको एक लेडी दिखती है जो एक बच्चे को पकड़ के चल रही होती है। इट वॉज मैम फ्रॉस्टर। वो कौन थी, मैम फ्रॉस्टर। मैम फ्रॉस्टर वही जिनसे उसने नेकलेस उधार लिया था। स्टिल यंग, वो अभी भी जवान दिख रही थी, स्टिल प्रिटी, सुंदर दिख रही थी, स्टिल अट्रैक्टिव, और पूरी अट्रैक्शन थी उसके बीच में। मैम लॉसिल वॉज अफेक्टेड, शुड शी स्पीक टू हर। मैम लॉसिल उसको देख के देखती है और सोचती है क्या मैं इसको बुलाऊ। यस सर्टनली, फिर वो सोचती है हाँ मुझे इसको बुलाना चाहिए। एंड नाउ डैट शी हैड पेड She would tell her all, why not? वो सोचती है मुझे इसको बुलाना चाहिए और मैं उसको वो सब बातें बताऊंगी जो मेरे साथ हुई। She approached her, good morning Jane. वो उसके पास जाती है और उसको good morning बोलती है। Her friend did not recognize her. उसकी friend उसको पहचान नहीं पाती। And was astonished to be so familiar addressed by the common person name. और मगर उसको ऐसा लगता है, वो पहचानती तो नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये बातें मैंने पहले किसी की मुंह से सुनी है। शी इज टेम्पर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो थोड़ा सा हकलाती है, फिर वो कह रही है मैम मुझे लगता है मैं आपको नहीं जानती, तो आपको गलती लग रही है। वो मैथिलीडिया को बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको गलती लग रही है। नो आई एम मैथिलीडिया लॉसिन, वो कहती है नहीं मैं कौन हूँ, मैथिलीडिया हूँ, आप मुझे जानती हैं। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसके फ्रेंड के मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है, ओ माय पुअर मैथिलीडिया हाउ यू हैव चेंज्ड। कहती है मैथिलीडिया तुम हो, तुम इतनी बदल कैसे गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। कहती है हाँ मेरी वो पिछली जिंदगी थोड़े सालों से बड़ी
बड़ी उथल पथल रही मेरी जिंदगी में, और जे सब जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारे कारण हुआ, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू हैव नोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर, सवाल कहती है तुम्हें ज्यादा रिकॉल मीन ज्यादा वो डायमंड नेकलेस जो मैंने तुमसे उधार लिया था डालने के लिए उस मिनिस्टर्स की पार्टी के लिए, जैसे वेरी वेल, वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है ज्यादा है, वेल इट आई लॉस्ट इट, वो कहती है अच्छा वो नेकलेस मेरे से घूम गया था, हाउ इज दैट सिंस यू हैव रिटर्न इट टू मी, वो कहती है ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो नेकलेस मुझे वापस किया था, आई रिटर्न अनदर जू टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, वो कहती है वो जो मैंने तुम्हें नेकलेस वापस किया था वो एग्जैक्टली सेम था जैसे कि पहला वाला था, एंड इट हैज टेकन अस 10 ईयर्स टू रिपे फॉर इट, और उस नेकलेस के लिए हमें 10 साल लग गए उसके पैसों को चुकाने में, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम सोच सकती हो हमारे ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे में इतने महंगे नेकलेस के पैसे चुकाना कितना मुश्किल था हमारे लिए, बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम रिसेंटली कंटेंट, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं, वो कहती है अब मैं खुश हूँ। मैम फ्रॉस्टर स्टॉप शॉर्ट शी सेड, मैम फ्रॉस्टर को कहती है रुकती है, कहती है शी सेड यू से डैड यू ब्रॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम क्या कहती हो कि तुमने मुझे अपना डायमंड नेकलेस दिया उसके बजाय जो तुमने मेरे से लिया था, यस यू डिड परसीव इट देन दे वर जस्ट ए लाइक, वो कहती है हाँ हाँ मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस वापस किया था और वो सेम ऐसा ही था जैसा कि मैंने तुमसे उधार लिया था, एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, अब वो जो मैम फ्रॉस्टर थी वो थोड़ा हंसती हैं और हंसती है और बोलती है मैम फ्रॉस्टर वाज टच्ड एंड टूक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, उसके दोनों हाथ उसके हाथों में ले लेती हैं और उसको बोलती हैं ओ माई पुअर मैथिलिडिया माइन वॉज फॉल्स दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स, वो कहती हैं ओ मैथिलिडिया जे तुमने क्या किया, जे जो मेरा जो नेकलेस था वो तो वो नकली था, उसके तो सिर्फ 500 फ्रेंड्स का भी नहीं होगा, और तुमने उसके बदले मुझे डायमंड नेकलेस दिया जिसकी कीमत 40,000 फ्रेंड्स थी, और तुम्हारी जिंदगी पूरी खराब होगी, इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी से भी कोई चीज उधार नहीं लेनी चाहिए, जो अपनी चीज है उसी में हमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एक छोटी सी गलती ने उनकी पूरी जिंदगी खराब कर ली, इसी से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है द डायमंड नेकलेस ये खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी चैप्टर के कोई क्वेश्चन आंसर्स में या उसके एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहाँ लिंक्स डाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।